टाइगर भैया की फिल्म आती है जिसका नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2। आपको मैंने दोस्तों फ्राइडे जिस दिन फिल्म रिलीज़ हुई थी उस दिन का भी प्रेडिक्शन बताया था, मैंने आपको सैटरडे का भी बताया था, संडे का मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगा बट इवेंचुअली डिक्रीज़ हुआ। अब बारी आती है मंडे की यानी कि चौथे दिन की। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि इस फिल्म के बिजनेस को अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स आए हैं। सबसे पहला और मेन तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। इस फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा कुछ खास नहीं मिल रही, राइट? दूसरी जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर आया था दोस्तों, वो आईपीएल फिनाले था जो कि हमने देखा, जिसकी वजह से संडे को बिजनेस हैम्पर हुआ। तीसरी मेन वजह अब ये है आज के दिन की, वो है कि आज वर्किंग दिन था, छुट्टी ज़्यादा लोगों की थी, नहीं तो मुश्किल से ही फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी देखी गई है, जो एस्टिमेटेड रेट देखा गया है। तो ओवर एंड ऑल उन सारी बातों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आज का जो बिजनेस आएगा वो इवेंचुअली कम ही आएगा। जी हाँ, अगर मैं बता दूँ 3 दिन के अंदर फिल्म ने 38 करोड़ का बिजनेस किया है दोस्तों, जो कि ठीक ठाक है, राइट? अब ऐसे में मंडे के दिन फिल्म जो है वो 6 करोड़ से लेकर 8 करोड़ तक कमाएगी। कम है, आई नो आप लोग बोलेंगे कम है बिजनेस, लेकिन यस, यही इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो उसके बेसिस पे इतना ही बिजनेस करेगी। अगर कम करेगी उससे तो आई हैव नो आइडिया, बट लेकिन यस, इससे ज़्यादा नहीं करेगी। आपका क्या है प्रिडिक्शन, बताइएगा ज़रूर।